हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आ गया मेरे पास एक और बोट का प्रोडक्ट और ये है बोट रॉकर्स 195 निक बैंड। आप देख सकते हो मैंने गले में पहन रखा है और लुक्स में बहुत ही अच्छा, एक प्रीमियम सा लुक आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है, अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ है इसका प्राइस, 100-200 रुपये अप डाउन होता रहता है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो IPX4 का वाटर रेटिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जिसपे हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। 5.0 ब्लूटूथ है इसमें, 15 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड करेगा 60% वॉल्यूम में। और साथ ही में डुअल पेयरिंग का भी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जिसके हेल्प से आप इस निक बैंड को दो डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। 10mm का डाइवर आपको इसमें देखने को मिल रहा है फॉर बेटर बेस। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, उसके बाद देखेंगे कि इसका कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद लो लेटेंसी भी चेक करके देख लेंगे कि कैसा लेटेंसी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और मेरे रिव्यू के बाद अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए तो इसका अमेजॉन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। अगर आप परचेज करोगे तो बड़ा हेल्प होगा मेरा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अनबॉक्सिंग एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, बोट रॉकर्स 195 का बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखता है। और अगर आप इसके नीचे के साइड देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिल रहा है, इनका सोशल मीडिया वेबसाइट का इन्फो। और साइड में ही इन्होंने प्रिंट कर रखा है कि 5V 2A चार्जर से आपको इसे चार्ज करना है, तो इसका बैटरी रहेगा सेफ। और पीछे आपको बोट का टैगलाइन देखने को मिल रहा है, गो विद द फ्लो, जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा है। और थोड़े ही नीचे इन्होंने अपने स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट कर रखा है और थोड़े ही नीचे इन्होंने अपने ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। और आप इसका प्रिंटेड प्राइस देख सकते हो 1990 रुपीज, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल जाएगा सिर्फ 1000 रुपीज का, 200 रुपीज अप डाउन होता रहता है। सो अभी इस बॉक्स को खोल के देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या कंटेंट देखने को मिल रहा है। ये है माइक्रो USB चार्जिंग केबल, 2 जोड़ी 8 टिप्स आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगा डिफरेंट साइज का। ये है बोट का बुकलेट, जिसमें बोट के ब्रांड एम्बेसडर का फोटो और कुछ प्रोडक्ट का फोटो इन्होंने प्रिंट कर रखा है। 1 ईयर का वारंटी भी बोट आपको इस प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा है यूजर मैनुअल, इसे यूज करने के पैतरे और कुछ इन्फो इन्होंने यहाँ प्रोवाइड कर रखा है। और अभी इन चीजों को साइड रखते हैं और एक क्लोज लुक डालते हैं नेक बैंड की तरफ। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और लुक्स काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रीमियम सा लुक आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्टिव ब्लैक कलर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आपको 110mAh का बैटरी देखने को मिल रहा है। और अगर आप दूसरे साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको 3 बटन देखने को मिल जाएगा और इसका बटन भी काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड इजी टू यूज है। माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर इसके बेल्ट के बारे में बात करें तो बेल्ट का भी क्वालिटी काफी अच्छा है, रबड़ का बेल्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, सिलिकॉन नहीं है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और अभी आप इसके बर्ड्स का लुक देख सकते हो, बर्ड्स का लुक भी बहुत अच्छा और एक प्रीमियम सा लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसके पीछे आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, प्लास्टिक बॉडी है इसका, जिस वजह से काफी ज्यादा लाइट वेट भी है ये। सो अभी मैं आपको बोट रॉकर्स 195 का फंक्शन बताना चाहूंगा। इसके बीच में आपको एक मल्टी फंक्शन बटन देखने को मिल रहा है, वही है इसका पावर बटन। उसके एक प्रेस से आप सॉन्ग को प्ले या पॉज कर सकते हो, साथ ही में कॉल भी पिक कर सकते हो, कॉल भी आप एंड कर सकते हो। और इसी बटन को अगर आप 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करोगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, कॉल नहीं आ रहा होगा, तब आप 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करो, वॉइस असिस्ट ऑन हो जाएगा। प्लस माइनस के बटन को अगर आप स्टेम में दबाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, प्लस को दबा के रखोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग पे चले जाओगे, माइनस को दबा के रखोगे तो प्रीवियस सॉन्ग पे वापस आ जाओगे। और प्लस माइनस को अगर आप 10 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करोगे तो नेक बैंड आपका रीसेट हो जाएगा। सो अभी आप नेक बैंड का वेट देख सकते हो, ओनली 25 ग्राम, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है। और इसके बर्ड्स का वेट है 7 ग्राम, 3.5 ग्राम ईच, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो माइक के साथ नेक बैंड हो चुका है रेडी और मेरे फोन के साथ भी है ये कनेक्ट। अभी आप देख सकते हो अभी किस करेंगे हम लोग इस पे लोड। सो जैसे कि आपने देखा कि इसका लो लेटेंसी नॉर्मल ही है, बहुत ज्यादा साउंड का डिले आपको यहाँ सुनने को नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो वाटर टेस्ट का सेटअप हो चुका है यहाँ पे रेडी और मेरे फोन के साथ है बर्ड्स कनेक्ट। और अभी आप सुनो, सॉन्ग चल रहा है। आप देख सकते हो बोट्स पूरी तरह से डूब चुका है और अभी इस पे करेंगे हम लोग वाटर टेस्ट। अब भी मेरे फोन के साथ कनेक्ट है, आप देख सकते हो। सो
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 30 सेकंड्स हो चुका है और इसके अंदर से मुझे बबल्स निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया और ये अब भी है मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट। और अभी हम लोग इसे निकाल के देखते हैं सर्वाइव कर लिया है या डेड हो गया है। आप देख सकते हो सॉन्ग भी अभी तक अभी चल रहा है। सो जैसे कि आपने देखा कि इसने वाटर टेस्ट भी सर्वाइव कर लिया है। सो आप इसका इस्तेमाल बिंदास जिम में वर्कआउट में कर सकते हो, पानी से और स्वेट से ही आपका खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो बोट रॉकर्स 195 है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और अभी आप सुनो कि कैसा कॉलिंग परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और मेरे आगे अभी एक टेबल फैन ऑन है जो कि 3 की स्पीड में चल रहा है। सो अभी आप सुनो कि आवाज को ठीक से ग्रैब कर रहा है कि नहीं और नॉइस को कैसा ये काट रहा है। और इस रिकॉर्डिंग को करने के लिए हमेशा की तरह मैं कोई भी माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, फोन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो ये था इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस। और किस और निक बैंड का एक चीज होता है जो कि सबसे ज्यादा मस्त लगता है कि अगर आपको कोई सीक्रेट बात करना हो तो आप ऐसे करके बात कर सकते हो क्योंकि इसके निक बैंड के यहाँ पर आपको माइक का फीचर देखने को मिल जाएगा। सो जैसे कि आपने सुना कि इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सही है, एकदम रियल आवाज ये पकड़ रहा है, आवाज में पीक नहीं डाल रहा। दूसरे निक बैंड में क्या होता है ना, वो लोग आवाज को क्लियर करने के लिए पीक डाल देते हैं, ए वाला आवाज डाल देते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा भी पीक देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम रियल आवाज ये आपका ले रहा है। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो आवाज को लेने का जो क्षमता है, जो पावर है, दूसरों के कंपैरिजन में हल्का सा कम है, 10% कम है। इसके अलावा सारे फीचर्स इसके कमाल के हैं। और अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो क्या बताऊं, कमाल का साउंड एक्सपीरियंस है इसका। वोकल्स बहुत ज्यादा क्लियर एंड लाउड है, लाउडनेस भी बहुत ज्यादा है। और जो ट्रिबल है, छनकार भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, ओवर पावर छनकार नहीं है, कानों में बचता नहीं है, मतलब कानों में चुभता नहीं है, काफी अच्छा लगता है सुनने में। और अगर इसके बेस के बारे में बात करें तो कमाल का बूम पंची बेस आपको इसमें सुनने को मिल रहा है। और जो बेस के बाद हम वाला फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी भी आपको इसमें सुनने को मिल रहा है। सो मैं तो बोलूंगा म्यूजिक लवर्स के लिए बेस्ट है ये। सो आप इसे बिंदास खरीद सकते हो, साउंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा सुपर है। और इसका लाउडनेस इतना ज्यादा है ना कि अगर आप ट्रेन के इंजन के साइड में भी खड़े रहोगे ना, तब भी आपको एकदम क्लियर सुनाई देगा कि आप क्या सुन रहे हो। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो कि जब आप इसे कानों में पहनोगे तो कैसा लुक ये रिप्रेजेंट करेगा। वैसे देखने में बहुत ही अच्छा और एक प्रीमियम सा लुक आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका जो बर्ड्स है ना, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, ऐसा फील ही नहीं होता कि आपने कानों में कुछ पहन के रखा हुआ है और आपके कानों से इजीली गिरेगा नहीं। आप उछलो कूदो कुछ भी करो, आपके कानों से गिरेगा नहीं। और बहुत ही ज्यादा मस्त है इसका कंफर्ट, आप इसे पूरा दिन भी यूज करोगे ना तब भी आपके कानों में पेन महसूस नहीं होगा। और इसके कनेक्टिविटी का भी कोई इशू नहीं है, 10 मीटर्स का रेंज बहुत ही ज्यादा सुपर है, यहाँ तक कि 20 मीटर्स का भी रेंज आपको ये प्रोवाइड कर देगा अगर आप एक ही रूम में हो और बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो तो। और अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं, मुझे 12 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है 80% वॉल्यूम में। सो इसका बैटरी बैकअप सुपर है और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 100 मिनट 5 वोल्ट 2 एम्पीयर चार्जर से। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।